फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इंडिया टुडे की साइट से, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, DRDO इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च को लेकर और मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने को लेकर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन डिफेंस के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जिस हिसाब से DRDO की स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आउटपुट जो है नहीं मिल पा रहा है। तो DRDO द्वारा करीबन 50 लैब्स ऑपरेट करी जाती हैं, जिसमें करीबन 30,000 स्टाफ मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से खाली 30% ही साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, बाकी 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो इस स्ट्रेंथ के साथ भी जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर डिलेज हैं, कॉस्ट ओवररन्स हैं, इवन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं हो पाती और उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। तो DRDO को लेकर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पर उठी थी, ताकि जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके, कॉस्ट जो ओवररन हो जाता है उसे रोका जा सके, और अल्टीमेटली DRDO के रिफॉर्म्स की वजह से, इनकी रिसर्च की वजह से जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि एक हाई पावर कमेटी फॉर्म करी गई थी इंडिया के फॉर्मर साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन के अध्यक्षता में, जिसमें ये पाया गया कि जो 60% DRDO के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर डिले पाई गई है वो इंटरनल इश्यूज की वजह से हैं। यानी कि जो बार बार ये कह दिया जाता है कि आर्म फोर्सेस रिक्वायरमेंट चेंज करती है, इसलिए जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है और डिलेज होती हैं, वो मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। हाँ, उसकी वजह से डिले होती जरूर है, लेकिन वो खाली 18% प्रोजेक्ट्स में है। यानी कि अगर प्रॉपर इंटरनल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर लिए जाते हैं तो जो 60% डिले का इशू है वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जो प्रोफेसर विजय राघवन की कमेटी है, तो उनके द्वारा यहाँ पर चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं, जिसको लेकर DRDO में मेजर रिफॉर्म्स होंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो डेडलाइन रखी गई है, ये अगस्त 31 की है, जिसके लिए DRDO ने ओवरसीइंग कमेटी जो है ये सेटअप कर दी है। तो DRDO द्वारा यहाँ पर कुछ मामलों में अपोज किया जा रहा था, जिसको लेकर DRDO की जो लीडरशिप है उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करी, प्रेजेंटेशन भी PMO को दी गई, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म के पूरे मोड में दिखाई दे रही है। तो बेसिकली DRDO की जो लीडरशिप है, इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस से थोड़ा इशू था, बाकी जो ओवरऑल इस रिपोर्ट का एम था उससे किसी को परेशानी नहीं है। तो इसको लेकर कई राउंड्स की मीटिंग हुई, लेकिन जैसा कि हमने बताया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने प्रोफेसर विजय राघवन की रिकमेंडेशन पर अपना भरोसा दिखाया और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को ऑर्डर किया गया है। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से जो यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं, उनका गोल ये है कि जो ब्राइटेस्ट टैलेंट है उनको DRDO ट्रैक कर पाए, बाकी डीप टेक एरियाज में क्रिटिकल रिसर्च को स्टिमुलेट किया जा सके, डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल को बनाया जाए, और जो लैब्स हैं और उनके फंक्शंस हैं इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, और DRDO के हेडक्वार्टर को लीनर बनाने का भी रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि DRDO की लैब्स द्वारा डिफेंस रिसर्च के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया गया है और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप किया गया है, पर सारी लैब्स एफिशिएंट है ये नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जिसे ADE भी कह दिया जाता है, इनके द्वारा इंपॉर्टेंट ड्रोन प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अंडरटेक किए गए, जिसमें अच्छा खासा पैसा और समय दोनों गया, पर जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पाया। इनके सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें जो कि सक्सेस नहीं बन पाया, ये तपस PH-201 या फिर रुस्तम 2 है, बाकी इनके पंछी और रुस्तम 1 जैसे प्रोजेक्ट भी सक्सेस नहीं बन पाए थे। तो खाली यहाँ पर ADE की ही बात नहीं है, और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट DRDO की लैब्स द्वारा अंडरटेक किए गए, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाए, जिसको लेकर पास्ट में CAG द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई हैं और डिटेल्स में इन प्रोजेक्ट को डिस्कस किया गया है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये टोड एरे सुनार का हो सकता है, बाकी जो DRDO का डंकिंग सुनार है उसे भी सक्सेस नहीं बताया जाता है। वहीं पर सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जिसमें डिफरेंट रडार सिस्टम हो गए, मिसाइल सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सब भी शामिल हैं। पर जिस हिसाब की DRDO की कैपेसिटी है, जिस हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं है। तो ये जो चेंज किया जा रहा है ये काफ़ी वेलकमिंग है। साथ ही साथ DRDO की रिसर्च के साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी फ्यूचर में इन्वॉल्व होंगे और टेक्नोलॉजी वहाँ भी ट्रांसफर करी जाएगी, तो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज का एटमॉस्फियर है वो यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा। मोस्ट लाइकली जो रोल DARPA द्वारा US में प्ले किया जाता है वो फ्यूचर में DRDO द्वारा प्ले किया जाएगा। ऑल्दो DRDO का जो रोल फिलहाल के लिए चल रहा है ये DARPA के रोल के कंपैरिजन में काफ़ी वाइड है, और शायद कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से भी यहाँ पर डिलेस और कॉस्ट ओवररन होते हैं। होपफुली ये जो नए इम्प्लीमेंटेशन है ये DRDO के आउटपुट को इम्प्रूव करेंगे, खाली कॉस्मेटिक चेंज नहीं रहेंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है
वो समय पर इम्प्लीमेंट हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।